अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। और सुनाएं जी, क्या हाल चाल, ठीक है। ये बनाया स्यापा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुशहाल होंगे, अपने अपने घरों में खुशाबाद रहें सब जी। आज मेरे घर में बन रहा है बाजो बाटो, डेली रूटीन व्लॉग्स में बन रहा है जी दम कबाब। कीमा मैंने लिया है मशीन का, कुटा हुआ कीमा है, बड़े गोश्त का कीमा है। ये मैंने ले लिया आधा किलो। अब मैं इसमें डालूंगी जो मसाला चाहते हैं, इंग्रेडिएंट है वो डालूंगी। ये मेरे मैजर बॉक्स से आ गया जी, आधा चाय का चम्मच पीसी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी दो से तीन चुटकी, एक खाने का चम्मच सूखा धनिया, आधा खाने का चम्मच सफ़ेद जीरा, नमक इसमें आधा खाने का चम्मच डालेंगे, क्योंकि मसाले में भी नमक होगा तो इसलिए इसमें भी थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। एक चुटकी दालचीनी का पाउडर, एक चुटकी काला नमक, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो मसाले जो हैं, मगर मैं डालती हूँ जो जो मुझे अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा सा राई दाना और एक चुटकी ही अजवाइन, क्योंकि ये बादी ख़त्म करती है तो इसलिए मैं हर खाने में अजवाइन ज़रूर डालती हूँ। ये मेरे पास बारीक कुटी हुई सब्ज़ी मिर्च है, मैं इसमें डालूँगी हसबी ज़रूरत, सब्ज़ धनिया वो भी मैं डालूँगी। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स करके फिर इसके हम कबाब बना लेंगे। ये रेसिपी के लिए मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, आप कीमे के हिसाब से मसाले डाल सकते हो, मगर मेरे हिसाब से ये मसाले डन हैं। अब मैं इसके बना लूंगी कबाब, इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में कबाब बना के। ये आपके सामने
कीमे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हम कीमे के हिसाब से डालेंगे, जो इसका मसाला होगा उसमें भी अलग से नमक पड़ेगा, तो इसलिए नमक को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। हम इसके कबाब तैयार करते हैं। थोड़ा सा हाथ पे पानी लगा लेंगे, इस तरह इसके लंबे लंबे कबाब बना लेंगे। आप चाहे तो किसी साइज में भी बना सकते हो, मगर मैं इस तरह ही बनाती हूँ। बस ये मेरा कबाब तैयार हो गया। ऐसे ही हम सब ये मेरे पास तकरीबन आधा किलो या 3 पाव टमाटर है, इनको मैं ऐसे काट लूँगी स्लाइसेस में। ऐसे स्लाइसेस में इनको काटना है। ये ले जाइए टमाटर, मैंने स्लाइसेस में काट लिए हैं। अब आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये ले गए जी कढ़ाई। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा घी लेके इस कढ़ाई में डाल दूंगी, क्या घी लग जाए। कढ़ाई क्या ये वॉक है, इसको ऐसे लगा देंगे। अब जी आपने क्या करना है, ये जो टमाटर है ये स्लाइस जो है हम सारी कढ़ाई पे ऐसे फैला देंगे। है तो मेहनत का काम, मगर करना होता है। ये जो कबाब मैंने फ्रीज किए थे थोड़ी देर के लिए, बिस्मिल्लाह, ये कबाब हम ऐसे कढ़ाई में रखते जाएंगे सबके साथ।
ऐसे ऐसे रखते रहेंगे। देखिए चार चार पे ये टमाटर है, वहाँ वहाँ पे ये कबाब हम रख देंगे। जहाँ हमने कबाब रखने की ज़रूरत होगी साथ के साथ स्लाइस लगाते जाएंगे। ये फाइनल जो है हम ऐसे रख देंगे। ये हमारे कबाब जो सब तरफ से हमने इस तरह करके अब जो स्लाइस बकाया बच के वो हम उस जी। अब मेरे पास है बारीक कटा हुआ लहसुन, बारीक कुटा हुआ अदरक और कटा हुआ लहसुन, कुटा और कटा अलग अलग है, और बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम ये सब चीज़ें इसके ऊपर डाल देंगे। इसमें ये हमने डाल दिया ये लहसुन अदरक और प्याज। टीस्पून है नमक, अब जो ये मेरे दूसरे मसाले हैं गर्म गर्म इस्तेमाल करती हूँ मैं, तो ये ऐसा ज़्यादा रिकॉर्ड मसाले डालती हूँ। थोड़ा सा राई दाना दो चुटकी, एक से डेढ़ चुटकी जो है अजवाइन, वो मैंने कीमे में भी डाली थी उसमें भी डालूंगी। थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, एक ही चुटकी काला नमक, अब जो है कुटी लाल मिर्च कुटी लाल मिर्च मैंने आधा खाने का चम्मच डाली। हल्दी जो आधा चाय का चम्मच डालूंगी, पीसी लाल मिर्च जो है वो मैं आधा खाने का चम्मच डालूंगी, सफ़ेद ज़ीरा आधा खाने का चम्मच, सूखा धनिया एक खाने का चम्मच डाला था, दो से तीन लौंग, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया खाने का चम्मच। इसके ऊपर अब घी डालेंगे। घी डालकर इसको हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। ये टमाटर के पानी में गल के पक जाएंगे। ये जी साथ के साथ हम चेक करते हैं, 15 मिनट तो हो गए, काफ़ी हद तक ये पानी ताकि टमाटरों को खुश्क हो रहा है, मगर अभी हमने इसको छेड़ना नहीं जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए। इसको ऐसे पकने देंगे। ये ले जी, मैं अब छोटे चूल्हे पे रख दूंगी कोयला, जिसका ये दम लगाऊंगा मैं अपने कबाब को। ये देखिए जी, अब हम इसको चलाएंगे।
अब इसका पानी खुश करेंगे गैस पे। ये हमारे कबाब नहीं कबाब, लंबे लंबे बनाए थे ये, मगर ये श्रिंक हो जाते हैं तो इसलिए। अब इसका पानी करेंगे हम, तो हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे। ये देखिए जी, अब ये इसका कोरमा आ रहा है ऊपर, इसमें अब साग के साथ में डालूंगी सब मिर्चे। अब जी ये मेरे कबाब जो है पक गए, मंग गल चुका है, ये कोरमा भी ऊपर आ गया है। तो जी मेरे पास एलुमिनियम फॉइल नहीं है, वो बच्चे पता नहीं कहाँ फेंक दिए, तो मैं क्या करूँगी, ये मेरे पास है जी एक कप है, जो भी आपके पास चीज़ हो ये सारा साइड पे कर लें। आपके पास चाहे स्टील का कुछ भी हो तो आपने क्या करना है, ये दरमियान में रखना है जी कप। कप रख के आपने ऐसे करना है, इसमें रखना है ये गरम कोयला, इसमें रखते हैं जो भी चीज़ आपके घर में हो आपने उसी का इस्तेमाल कर लेना है। एक चम्मच देंगे घी, ये जो गर्म हुआ हुआ कोयला है उसके ऊपर हम डालेंगे घी और इसकी ये धोने सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको देंगे। ये देखिए अब हम इसका ढक्कन उठा देंगे, बस इतनी देर देना होता है इसको स्टीम। इसका दम हो चुका है पूरा, अब मैं डिश आउट करके आपको जरूर दिखाती हूँ। जी ये मेरे दम कबाब हो गए हैं रेडी, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़े के लगेंगे, आप लोग ज़रूर ट्राई करें जी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़ नासिर और हाफिज़ नासिर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक आ सके। अल्लाह हाफिज़।